सब्सक्राइब करें बालाजी सिलाई सेंटर को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट के लिए। नमस्कार, बालाजी सिलाई सेंटर में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपको पुरानी शर्ट से किचन एप्रन बनाना सिखाऊंगी। देखिए, हमारे पास अक्सर बहुत पुरानी शर्ट होती है, अगर भी पड़ी हुई होती है तो फेंकने के ही काम आते हैं, फेंक देते हैं अक्सर हम उनको। देखिए, पुरानी शर्ट से कैसे किचन एप्रन बनाना सीखेंगे हम। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो आगे का भाग हमारा है इससे हमें सिर्फ पट्टियां लेंगे और कुछ नहीं लेंगे, और जो इसका बैक साइड है उसकी हमें कटिंग चाहिए। तो देखिए, ये जो हमारा बैक साइड है, ये हमने इस तरीके से बैक साइड की कटिंग कर ली है। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसका इसको इस तरीके से आपने डबल कर देना है। बहुत इजी बताऊंगी, आप बहुत जल्दी से इसको तैयार कर लेंगे। ये देखिए, अब इसकी आपने कटिंग कैसे करनी है वो देखना है। देखिए, लंबाई भी हमें पूरी मिल चुकी है। अधिकतर इसकी जो लंबाई होती है 25 से लेके 30 तक होती है, तो हमें तो इसकी देखिए 28 लंबाई मिल चुकी है शर्ट की। और दूसरा हमें ये है कि नीचे से फोल्ड करना नहीं पड़ेगा, फोल्ड भी करा हुआ है। अब हमने इसकी क्या करनी है, सिर्फ हमने इसकी जो बगर है इसकी कटिंग करनी है। इस तरीके से इस कोने से आपने सिर्फ 10 इंच पे निशान लगाना है। ये देखिए, इस तरीके से सिर्फ आपने यहाँ पे 10 इंच पे निशान। अब 10 इंच पे निशान लगाने के बाद में आपने इस साइड से क्या करना है, ये जो कपड़ा है बिल्कुल उसको इस तरीके से सीधा करना है। और सीधा करने के बाद में, क्योंकि जो शर्ट होती है अक्सर उसका थोड़ा सा यहाँ से तिरछा होता है कंधियां, तो हमने इसको सीधी कर ली। सीधी करने के बाद में या तो आप इसको इसी कंधी से जो ये 10 था इस पे इस तरीके से बस हल्का सा ये कटिंग करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी जो बाजू है इसकी बाजू को हम कटिंग करके निकाल के इसकी जेब तैयार करेंगे। सीधा करना है हमें, ये जो शेप है इसकी हल्की सी, इसको भी बिल्कुल कटिंग से सीधा कर देंगे। देखिए, ये तो हमारी जेब तैयार हो गई है। और देखिए, ये जो नीचे का मोड़ है ये भी हमारे जेब में जो मोड़ था ये भी नहीं मुड़ेगा जेब लगने पर। और इसमें से जो फ्रंट पार्ट है हमारे, इसमें से हम इसकी जो ऊपर पट्टी लगाएंगे वो भी निकाल सकते हैं। ऐसे हमने चार टुकड़े निकालने हैं पट्टी के लिए। ये देखिए, इस तरीके से जो कमर बांधने के लिए पत्तियां जो हमारे लगेंगी वो हम इसमें से लगा लेंगे। ये हमारी जेब तैयार हो गई है शर्ट में से ही, और ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। तो मैं आपको सिलना बता देती हूँ। अब देखिए, इसकी सिलाई करेंगे इस कोने से इस तरीके से पकड़ के उल्टे साइड से।
देखिए हमने ये चारों तरफ से इसकी किनारे मोड़ दिए पूरे, ये देखिए इस साइड से भी, नीचे से पहले से मुड़ी हुई है ये, हमें जरूरत नहीं है मोड़ने की, और पूरे में सारे मोड़ चुके हैं। अब हम इसका क्या करेंगे, अब इसमें हम सबसे पहले जेब लगाएंगे, ये देखिए जेब हमने नीचे से सिली हुई है। अब जेब को भी हम पहले इस तरीके से सिलेंगे, यहाँ से सिलेंगे, सिलते हुए आएंगे और इससे सिल के इसको पहले सिल लेते हैं फिर लगाते हैं। देखिए जेब हमने इस तरीके से सिल दी। अब हमने क्या करना है, इस जेब को पहले इसको इस तरीके से डबल करके इसका एक निशान दे देना है, ताकि जो हमारी जेब है वो बीचों बीच लगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हमने इसका भी बीच का निकाल दिया था। अब हमने जो ये निशान दिया है, इस निशान को इस लाइन पे जेब लगानी है हमने, इस निशान पे हमने एक ऑल पिन लगानी है। आप इसको इस साइड से ऐसे भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा मुड़ा हुआ है तो अच्छा लग रहा है। ये देखिए जेब को हमने इस तरीके से बीचों बीच रोक दिया ऑल पिन से। अब हमने क्या करना है, इस सिलाई पे ये जो लाइन है इस पे, सिलाई पे इस कोने पे हमने इस तरीके से सिलाई देखते हुए इस साइड से पूरा सिल देना है। देखिए इनकी पत्तियां किस तरीके से हमें सिलनी है, एक बार ऐसे फोल्ड किया, फिर उसको एक बार और फोल्ड किया, फिर दोनों को आपस में इस तरीके से मिला दिया और ऊपर से आपने सिलाई दी। देखिए अब एक बत्ती जो हमने गले के लिए लगानी है, हमने बत्ती तैयार कर ली है। इस बत्ती को हमने आधे इंच की तरफ ऐसे अंदर की तरफ डालना है और ऊपर से एक सिलाई देनी है, और उसके बाद हमने इसको इस कोने के साथ इस तरीके से सिलना है, तो ये हमारे गले में डालने के लिए गोल बत्ती हो जाएगी। तरीके से हमने जो ये बगल है इस पे भी बत्ती लगानी है, इस पे हमने इस तरीके से लगानी है।